दोस्तों, आज के टाइम पे अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना है तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है एक गूगल। गूगल पे आप जाके कुछ भी सर्च करिए, उससे रिलेटेड आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ पे। और इन्हीं में से ऐसी 5 चीज़ों को आपको सर्च नहीं करना चाहिए जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ब्रजेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ लाइफ इजी चैनल पर। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो दोस्तों, पहली वो चीज़ें जिसको आपको गूगल पे कभी भी भूल के सर्च नहीं करना है दोस्तों, वो चीज़ क्या है? वो है आपके बैंक की वेबसाइट। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होगा लेकिन आप उसका URL डायरेक्टली सर्च ना करके आप गूगल पे जाते हैं। गूगल पे बस लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, मैं जाके वहाँ पे डालूंगा एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक से रिलेटेड दुनिया भर के लिंक्स वहाँ पे खुल जाते हैं, गूगल हमें ऑप्शन देता है। लेकिन दोस्तों, जब हम ऐसा करते हैं तो इसमें एक खतरा रहता है। एक रिसर्च सामने आई है, एक रिपोर्ट आई है, जिसमें क्या कई सारे हैकर्स क्या करते हैं, बैंक्स की नकली वेबसाइट बना करके वो वहाँ पे उनका लिंक शेयर कर देते हैं। अब अगर आप उन लिंक पे जाते हैं, वो बिल्कुल आपको लेगा ओरिजिनल बैंक की साइट है, और जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे कुछ भी काम करेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो हैकर से इस फ्रॉड लिंक के थ्रू चुरा लेते हैं। और आपको इसका काफ़ी हर्जाना भुगतना पड़ सकता है इन फ्यूचर, मतलब आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है एक गलत क्लिक के थ्रू, कि आपने अपने बैंक की वेबसाइट जाके गूगल पे सर्च की, ना कि आप डायरेक्ट URL के थ्रू गए और उस गलत वेबसाइट के लिंक पे जाकर के आपने क्लिक किया जहाँ से हैकर्स ने आपकी इन्फॉर्मेशन उड़ाई, और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हो सकता है वो आपका पैसा भी उड़ा दें। तो दोस्तों, ये पहली चीज़ है जिसे आपको भूल कर भी गूगल पे कभी डायरेक्टली सर्च नहीं करना है, आपको URL के थ्रू ही जाके अपने बैंक की वेबसाइट खुलनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ वो है जो आपको गूगल पे कभी सर्च नहीं करना चाहिए, वो है किसी भी कस्टमर केयर का नंबर। दोस्तों, आपको कभी ज़रूरत पड़ती है कहीं पे भी कांटेक्ट करने के लिए, या किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आप, उसके कस्टमर केयर का नंबर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, और आप जाके गूगल पे उसको सर्च करते हैं कि भाई मेरे को फला कंपनी का कस्टमर केयर का नंबर चाहिए। यहाँ पे दोस्तों, कई बार क्या होता है, जो फ्रॉड लोग होते हैं या जो हैकर्स होते हैं, वो गलत नंबर दे देते हैं, और इसी गलत कस्टमर केयर के नंबर के थ्रू वो आपकी काफ़ी जानकारियाँ चुरा लेते हैं जो आपको आगे जाके काफ़ी महंगी पड़ती हैं। तो आप अवॉइड करें किसी भी कस्टमर केयर का नंबर, आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च ना करें, आप पर्टिकुलर जो ऑथराइज वेबसाइट है वहाँ से वो कस्टमर केयर का नंबर उठाएं, या कोई भी जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वहाँ से कस्टमर केयर का नंबर आप यूज़ करें। दोस्तों, हमारी लिस्ट में तीसरी जो चीज़ है जो आपको गूगल पर सर्च नहीं करनी है, वो है गवर्नमेंट की स्कीम्स। दोस्तों, आज के टाइम पर गवर्नमेंट नई नई स्कीम डे पर डे निकालती रहती है, और वो अपडेट भी करती है लोगों को थ्रू न्यूज़पेपर या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब दोस्तों, क्या करते हैं, कई लोग जाके गूगल पर डायरेक्टली स्कीम को सर्च करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हैकर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो आपका डाटा चुराने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए, और आपके साथ धोखाधड़ी करने के लिए। वो क्या करते हैं, एक फ्रॉड लिंक बना के गूगल पर डाल देते हैं। आप जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम के लिए सर्च करेंगे गूगल पर, वो लिंक्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो होंगे, और आप जो ये हैकर्स हैं, जो फ्रॉड्स हैं, इनके चक्कर में फंस जाएंगे, स्कीम के चक्कर में, गवर्नमेंट की फ्री स्कीम के चक्कर में। और वो आपके साथ कैसा फ्रॉड कर सकते हैं, आपका डाटा चुरा सकते हैं, आपका पैसा आपसे फ्रॉड के तरीके से आपसे पैसा भी वो गबन कर सकते हैं, या आपका पैसा वो आपसे उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप गूगल पे डायरेक्टली किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को सर्च ना करें, अगर करें तो ऑथेंटिक वेबसाइट को ही क्लिक करें, और अपना कोई डाटा ऐसे वहाँ पे शेयर ना करें, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथी चीज़ जो है जो आपको गूगल पे कभी सर्च नहीं करनी है दोस्तों, वो है कूपन कोड्स, फ्री कूपन कोड्स। आजकल लोग क्या करते हैं, दुनिया भर के कूपन कोड्स आए हुए, तो उनके लालच में चाहे डिस्काउंट कूपन कोड्स हों या फ्री कूपन कोड्स हों, वो गूगल पर सर्च करते रहते हैं। आप जब गूगल पर इन चीज़ों को सर्च करेंगे, फ्री कूपन्स हो गए या डिस्काउंट कूपन्स हो गए, तो हैकर्स ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने अपने लिंक शेयर किए हुए, अपने वेबसाइट के लिंक्स डाले हुए जहाँ आप क्लिक करेंगे फ्री कूपन के चक्कर में या डिस्काउंट कूपन के चक्कर में। और वो एक छोटा सा लालच जो होता है ना डिस्काउंट का या फ्री का, वो आपको इतना महंगा पड़ेगा आप समझ नहीं सकते। आप वहाँ पे जाएंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से चोरी हो जाएगी, हो सकता है फालतू के चक्करों में पड़ के कुछ कोड आप अप्लाई कर दें, और उस कोड के थ्रू आपकी ऐसी चीज़ें शेयर हो जाएं, हो सकता है आपका पैसा वहाँ से निकल जाए, या आपकी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ से लीक हो जाए, जिसका हैकर्स आगे जाके फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, इस चीज़ को अवॉइड करिए कि आप गूगल पे जाके फ्री कूपन्स या डिस्काउंट कूपन सर्च करेंगे आगे जाके। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पाँचवें नंबर पर और जो आखिरी पॉइंट है जो आपको गूगल पे कभी सर्च नहीं करना है, वो एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर्स तो वैसे यूज़ होते हैं आपकी लाइफ को, डे टू डे लाइफ को इजी बनाने के लिए, या आपको एंटरटेन करने के लिए, आपको कई चीज़ों के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं ये सॉफ्टवेयर। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी प्ले स्टोर है जहाँ से आप ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर्स को या एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऐप स्टोर है जहाँ से आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं। बट दोस्तों, क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं,
वो गूगल पे जाके डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन सर्च करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं। अब दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब ये सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन का लिंक आप खोलते हैं और वो किसी हैकर के द्वारा डाला गया है, दोस्तों इस क्लिक के थ्रू अगर आप उस एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में या सिस्टम में, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, उस सिस्टम में एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद, सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद आपका सिस्टम उस हैकर के कंट्रोल में आ जाएगा और वो आपके सिस्टम में कुछ भी कर सकता है, आपका सारा इन्फॉर्मेशन, वो डाटा जो है वो चोरी कर सकता है। इवन एक तरीके से हो सकता है आपका जो फ़ोन है, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो सिस्टम, वो रिमोट कंट्रोल पे आ जाए उसके पास और वो उसके थ्रू कुछ भी करे, चाहे वो आपका कैमरा लाइव ऑन कर दे या कुछ भी कर सकता है, जो कई बार हुआ भी लोगों के साथ। कई बार तो क्या हुआ, लोग अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उनका कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और उनकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों आप अवॉइड करिए कि ऐसी चीज़ों को, ऐसे सॉफ्टवेयर को आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करें और उनको डाउनलोड करें। ऑथेंटिक वेबसाइट से ही जाकर के आप सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करिए और ऐप्स को डाउनलोड करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश की मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो आपको काफ़ी काम आए, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ये 5 चीज़ें आप भूलकर भी कभी गूगल पे डायरेक्टली सर्च मत करिएगा। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, उसको लाइक करिए, उसको शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।